गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का वीडियो हमारा है हेयर केयर के ऊपर, कि हम अपने हेयर्स की कैसे केयर करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करते हैं अपने हेयर्स के लिए, जो हमारे हेयर्स को हेल्दी बनाते हैं, वॉल्यूम डालते हैं हमारे बालों में और सिल्की एंड शाइनी बनाते हैं। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले, क्योंकि बातें तो अभी बहुत सारी होंगी आपके साथ। सो क्विक नोट डाल लेते हैं हमारे प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। तो चलते हैं आज के प्रोडक्ट्स, देखते हैं क्या क्या है हमारे। सो ये है हमारे प्रोडक्ट्स, आई होप आपने देखा होगा। और अब स्टार्ट करते हैं वीडियो और आज की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए और बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। जो डेली उलझते रहते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, और साथ में आपके साथ कुछ डू डोंट्स भी शेयर करूंगी और टिप्स भी शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। सबसे पहले टिप मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, टिप नंबर वन, वो ये है कि आपको अपने हेयर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली जब आप बाहर जाते हो तो कवर योर हेयर्स विद एनीथिंग लाइक स्टूल और कैप, या बन बना सकते हो। अगर आप लड़के हो तो आप किसी भी चीज़ से, कैप से या किसी चीज़ से अपने हेयर्स को कवर कर सकते हो। सो अगर आप कवर करोगे तो डर्ट आपके स्कैल्प पे नहीं जाएगी और फिर आपको कोई प्रॉब्लम, एचिंग वगैरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसके लिए। क्योंकि मोस्टली लोग सोचते हैं कि मेरा जो वीडियोज़ होते हैं वो सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हेयर केयर रूटीन लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियाँ भी कर सकती हैं। लड़के ज़्यादा ख्याल नहीं रखते हैं अपना, बल्कि उनको रखना चाहिए। सो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फर्स्ट प्रोडक्ट बिना डिले करे मैं बताती हूँ आपको, ये बायोटेक का है, बायोकीप। इसका है प्रोटीन शैम्पू फॉर फॉलिंग हेयर्स, अगर जिसके बाल गिरते हैं उनके लिए ये रामबाड़ है। बहुत अच्छा शैम्पू है, सल्फेट फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और बहुत अच्छा है। ये मैंने पर्पल से ऑर्डर किया था, उसमें अच्छी खासी सेल चल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छे प्राइजेस में मिल गया था ये। बट आपको भी ये मिल सकता है अगर आप चाहोगे, ऐसे डिस्काउंट्स चलते रहते हैं हमारे नायका अमेजोन पे। बट ध्यान रखिएगा कि अगर आप जिस भी साइट से मंगा रहे हो वो साइट सही हो और साथ में उसमें बार कोड भी मेंशन किया हो, जिससे आप मंगाओ तो आप उसको चेक कर सकते हो कि वो आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं सही है। अब दूसरी बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो इसको आप अप्लाई कर रहे होंगे वेट हेयर्स पे, जब आपके बाल गीले हों आपको तब इसको अप्लाई करना है। डायरेक्टली कोई भी शैम्पू हो, चाहे वो अच्छा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको डायरेक्टली स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बता दूँ, स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है। आप क्या करो, आप मग लो, मग में थोड़ा सा वाटर ऐड करो, उसकी जितना भी क्वांटिटी आपको लगता हो शैम्पू का, तो आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग वो लेक से उसको मिक्स कर सकते हो पानी के साथ। उसके बाद आपको वो अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद आप उसको स्कैल्प को 2-3 मिनट मसाज करने के, उसको डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे लगाकर 2-3 मिनट तक अच्छे से मसाज करिए और उसको वॉश करिए। टिप नंबर टू मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जब भी आप शैम्पू लगाने के बाद उसको हटाते हो पानी से, सो आप पानी को कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करिए। मतलब 1 मिनट के अंदर, जैसे मैं सलून में भी कई बार हेयर वॉश कराए हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो जल्दी जल्दी बस उसको हटाने, लगाने का प्रोसेस तो उनका बहुत अच्छा होता है, काफ़ी टाइम तक वो उसको रखते हैं बालों में, पर जब हटाते हैं तो उनका विदिन अ सेकंड जो होता है वो हेयर वॉश हो जाता है। बल्कि ऐसा नहीं करना है, आपको 5 से 6 मिनट तक अपने बालों में अच्छे से उस पानी से अपने हेयर्स को रब करते हुए शैम्पू को बहुत अच्छे से निकालना है। क्योंकि जल्दी हम लोग ये चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बल्कि शैम्पू हमारे हेयर्स में रह जाता है, जो हमारे हेयर्स को बहुत डैमेज करता है, नुकसान देता है। इसलिए लोग सोचते हैं मेरी हेयर फॉलिंग क्यों हो रही है। और डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे हेयर केयर में। सो अच्छी डाइट लीजिए, अच्छे शैम्पू का यूज़ करिए और पानी से उसको अच्छे से निकालिए। प्रोडक्ट नंबर टू के बारे में बात करते हैं, एक्सटेंशंस कराए हो या अपने बालों में कलर कराया हो या किसी भी तरह की क्रिम्पिंग, हीटनिंग कोई प्रोडक्ट यूज़ करा हो, या फिर किसी ने स्मूथनिंग, रिबाउंडिंग कराई हो, ऐसे भी मेरे हो सकता है कई व्यूअर्स हो। सो मैं उनके लिए प्रोडक्ट को रिकमेंड करूँगी, जो हमारा लॉरियल प्रोफेशनल बेरिस एक्सटेंसो केयर शैम्पू, जो इस तरह की पैकेजिंग में आता है। लिटरली मैंने भी शुरू में रिबाउंडिंग, स्मूथनिंग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे अपने हेयर्स के साथ, जो मेरे हेयर्स को आगे जाके बहुत डैमेज किया था। बट ये प्रोडक्ट अगर नहीं भी कराया तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मेरी दूसरी बॉटल है एंड ये हमारे बालों पे अच्छे से स्मूथनिंग और शाइनिंग वाला इफेक्ट देता है, हेयर फॉल भी नहीं देता है, बल्कि ये केमिकल प्रोडक्ट है। पर लॉरियल के प्रोडक्ट्स हेयर्स के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसकी MRP भी 600 अप्रॉक्स, प्राइस अराउंड 600 अप्रॉक्स है, तो आप इसको चेक कर सकते हो। अगर आपका ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इस बजट के हिसाब से ये ले सकते हो। वैसे मेरे पास हर बजट के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, मुझे दूसरी यूज़ नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है। आप देखो क्रीमी सा टेक्सचर है इसका और बहुत अच्छा है। इसको क्वांटिटी भी आपको बहुत थोड़ी सी लेनी है, लाइक 1 फिंगर के हिसाब से आप इसको ले लो और आप पूरे हेयर्स में अच्छे से इसका मसाज कर लो 2-3 मिनट्स। और इसको स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है, जैसे आप कंडीशनर लगाते हो एज इट इज आपको इसका भी यूज़ करना है। तो हेयर वॉश यूज़ करती हूँ मैं, जैसे कंडीशनर आप अप्लाई करते हो वैसे हेयर मास्क है, इसको भी अप्लाई करने से बालों में हेयर फॉलिंग काफ़ी हद तक रुक जाती है और ये बालों को बहुत ही स्मूथ सा, शाइनी सा टेक्सचर देता है, जैसा इसका कहना है। और इसको इसकी बात कर लेते हैं, इसका प्राइस है 630 रुपीज़। जैसे कि शैम्पू और कंडीशनर समे थोड़ी बहुत ही कम मतलब रेट्स होंगे इसके, 600 अप्रॉक्स दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस रेंज में। सो अब बात कर लेते हैं कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पे थर्ड प्रोडक्ट, जो कि है केश कांति, पतंजलि का है ये प्रोडक्ट। तो जो पतंजलि के प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने भी इसको यूज़ करा था और मेरी ये थर्ड बॉटल है आई गेस। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा इनका, पतंजलि का। इससे भी हेयर फॉलिंग रुक जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ कि शैम्पू डायरेक्ट कभी भी स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको वाटर लेना है, उसमें किसी भी शैम्पू को डाइल्यूट करके ही अपने हेयर्स पे अप्लाई करना है, तभी आपका वो शैम्पू हेयर फॉलिंग रोकेगा, अदरवाइज सारे शैम्पूज बेकार हैं आपके लिए। मैं आपको बता दूँ, ये 75-80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी बॉटल, बहुत ही कम प्राइस में, और इफेक्ट बहुत अच्छा देती है, तो आप
ये भी गुड टू प्रोडक्ट है, आप इसके साथ भी जाके इसको अप्लाई कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट को अप्लाई कर रहा हो तो 2 वीक्स तो एटलीस्ट आपको वेट करना पड़ेगा उसके रिजल्ट के लिए। सो जल्दी से अब बहुत बातें हो गई हमारे शैम्पूज़ के लिए, तो अब कुछ स्किन केयर की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें समटाइम्स गर्मी में बहुत ज़्यादा उठने का मन नहीं करता है, फेस वॉश करने का मन नहीं करता, बट ट्वाइस और थ्राइस टाइम आपको जो है डे आपको अपना फेस वॉश करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर पाते हैं। सो उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जो है हिमालय की वाइप्स, वेट वाइप्स हैं एंड ये एलोवेरा फेशियल वाइप्स हैं। मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ, और मेरे पास कोई भी मतलब सोर्स नहीं होता है फेस वॉश करने का, तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ या मेकअप करने से पहले भी मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। इससे मेरी स्किन बहुत हाइड्रेट हो जाती है, तो आपको भी अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप ये ले सकते हो। सारी शैम्पू की बात हो गई थी, अब जल्दी से क्विक नोट पे हमें कंडीशनर भी देख लेते हैं जो हमारे हेयर के लिए अच्छा है। अरे मैट्रिक्स के प्रोडक्ट भी मैंने टाइम पर यूज़ करे हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, पर इनका कंडीशनर मुझे बहुत पर्सनल फेवरेट है मेरा, सो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ कभी कदार। जब मैं लॉरियल लगाती हूँ तो मैं लॉरियल का हेयर मास्क और शैम्पू एक साथ लगाना पसंद करती हूँ, सो आप भी ऐसे कर सकते हो, मतलब मेरा अपना व्यू है, आप देख सकते हो। अब एक प्रोडक्ट मैं आपके साथ और दिखा रही हूँ आपको, गुड वाइब्स का ये एप्पल सिलेंडर विनेगर शैम्पू है। ये बहुत अच्छा वर्क करता है एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा कम सल्फेट होता है एंड फ्रिजी हेयर्स और हेल्दी हेयर रखने के लिए शैम्पू माना जाता है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें बहुत फोमिंग कंसिस्टेंसी नहीं होती है इसकी, तो मैं हर एक प्रोडक्ट के पर्सनल डिस्क्रिप्शन में जाऊँगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगी। आप लोग भी चाहते हो कि कम टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ ये यूज़ करने के बाद ही मैं सारी प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका प्राइस मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, ये इसका प्राइस में मतलब मुझे 270 अराउंड 300 अप्रॉक्स आपको बॉटल मिल जाएगी। या पर्पल की वेबसाइट पर ही आपको गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मैंने बाकी जगह चेक नहीं किया, इनकी ओरिजिनल साइट्स पर भी आपको मिल सकते हैं और पर्पल में भी आपको मिल जाएंगे। एंड ये हो गया मेरा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और ये भी मत भूलिए दैट आई लव यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।